सिनेमा शो में आज बात करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की करेंगे, जिसका फर्स्ट लुक आ गया। बताएंगे शाहिद कपूर की अगली फिल्म कौन सी होगी, पठान में सलमान शाहरुख के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होंगी, और जानिए विजय सेतुपति की फिल्म मुंबई कर कब रिलीज होगी। तो चलिए फटाफट डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर एक नजर। Amazon Prime Video की ओरिजिनल सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के दूसरे सीजन का फर्स्ट लुक आ गया। रॉबर्ट जॉर्डन की बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड इस फैंटेसी सीरीज के किरदारों के लुक आ गए। सीरीज में एक्टर रोसमन पाइक, जोई रॉबिन्स और डोनाल्ड फिन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इसे इस साल सितंबर में रिलीज किया जाएगा। क्वीन ऑफ रॉक कही जाने वाली मशहूर अमेरिकन सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया। वो 83 साल की थी। टीना काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। उन्होंने अपने लंबे करियर में टिपिकल मेल, द बेस्ट प्राइवेट डांसर और बेटर बी गुड टू मी जैसे कई चार्टबस्टर गाने गाए। अर्षद वारसी वरुण सोबती की सीरीज असुर 2 का टीजर आ गया। इसका पहला सीजन वूट पर रिलीज किया गया था, लेकिन दूसरा सीजन जियो सिनेमा पर आएगा। क्राइम थ्रिलर इस सीरीज को 1 जून से देख सकेंगे। रवि तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का फर्स्ट मोशन पोस्टर आ गया। फिल्म के हिंदी वर्जन में रवि तेजा के लिए जॉन अब्राहम ने डबिंग की है। फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इसे 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। शाहिद कपूर मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज की एक्शन पैक्ड फिल्म में नजर आएंगे। रोशन इससे पहले सैल्यूट जैसी फिल्में बना चुके हैं। शाहिद के साथ ये उनका पहला कोलैबोरेशन होगा। फिलहाल मूवी का टाइटल नहीं रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म साल 2013 में आई पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म मुंबई पुलिस का हिंदी रीमेक होगी, जिसमें शाहिद के साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी। जी स्टूडियो के बैनर तले बन रही ये फिल्म जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। विजय सेतुपति, रणवीर शौरी, विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म मुंबई कर का टीजर आ गया। इसे देखकर पता चलता है कि मुंबई के डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपिंग किसने की, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म 2 जून को जियो सिनेमा पर प्रीमियर होगी। राइटर निखिल सुचान की किताब UP-65 पर वेब सीरीज बनने जा रही है, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। कॉलेज स्टूडेंट की इस कहानी में कई नए एक्टर्स नजर आएंगे। इसे 8 जून से जियो स्टूडियोज पर देखा जा सकेगा। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का लुक आ गया। कहानी रंधावा और चैटर्जी परिवार की होगी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में शबाना आजमी, धर्मेंद्र, जया बच्चन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इसे 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर 24 मई को आया था। रिपोर्ट्स थी कि इस फिल्म के लिए शाहिद ने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। मुंबई में ब्लडी डैडी के ट्रेलर लॉन्च पर शाहिद से जब फीस के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, अरे दे दो मुझे यार, मैं आपकी भी फिल्म कर लूंगा। शाहिद की इस बात को काटते हुए डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने रिपोर्टर से कहा, कम कहा है आपने, ये मिलेंगे आपको बाहर। अभी जब फिल्म के बजट पर सवाल किया गया तो शाहिद ने कहा, जितना जरूरत है उतना OTT दे रहा है, आप मैथमेटिक्स में मत घुसिए। कार्तिक के जन्मदिन पर उनकी अगली फिल्म जापान का टीजर आ गया। राजू मुरुगन के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में कार्तिक गैंगस्टर के रोल में है, जो चमकीले कपड़े पहनता है और जिसे खूब सारे गहने पहनने का शौक है। फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। टाइगर वर्सेस पठान को लेकर नया अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान तो हैं ही, कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी। जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर पठान फिल्म से जुड़ी हर चीज लॉक की जा चुकी है। मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2024 से शुरू करना चाहते हैं। दिव्या दत्ता ने फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनकी बड़ी बहन का रोल निभाया था। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो फरहान को बहुत पसंद करती थी, इसलिए ये रोल उन्होंने करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बहुत समझाने के बाद दिव्या ने इस रोल के लिए हाँ कहा था। कशिश फिल्म फेस्टिवल में ओनीर की फिल्म पाइन कोन को प्रीमियर किया जाएगा। मुंबई में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल की ये ओपनिंग फिल्म होगी। पाइन कोन फिल्म LGBTQ कम्युनिटी पर बनी है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक आया। खबर आ रही है कि इस मूवी से आर्यन खान अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगे। koimoi.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में शाहरुख के बेटे आर्यन खान भी दिखाई देंगे। हालांकि उनका रोल क्या होगा फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। मुलाकात होगी कल, तब तक जुड़ रही है हमसे, देख रही है ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।